वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा रेसिपी है पोर्क मोमो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है पोर्क मीट, इसको मैंने बॉईल कर दिया है और ऐसे स्लाइस किया है। इस मीट को मैंने ऐसे चॉप किया है, आप लोग देख सकते हो। मीट मैंने 500 ग्राम लिया था। ऑनियन को भी मैंने चॉप किया है, देखिए। और अदरक को भी मैंने पेस्टल में डाल के ऐसे कूट लिया है, आप लोग ग्राइंड भी कर सकते हो। अब एक बोल में डाल रही हूँ मीट और इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन, अदरक, चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा अजीनोमोटो। ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़रूरी है मोमो बनाने के लिए। अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम दूसरे बोल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने लिया है 650 ग्राम मैदा, इसको हम अच्छे से गून लेंगे और डो बनाएंगे। जैसे हम रोटी पूरी बनाते हैं वैसे ही इसका भी डो बनाएंगे। देखिए हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसको मैदा डाल के हाथ से छोटा छोटा लोई बनाएंगे। याद रखें, रोटी की जितना बड़ा लोई नहीं, उससे थोड़ा छोटा लोई बनाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको गोल करके ऐसे रखेंगे। अब हम मोमो के सेट पे लगाएंगे ऐसे करके तेल, बस थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि बाद में मोमो ना चिपके। अब हम डो पे मैदा लगा के इसको बेलेंगे। बस इतना ही छोटा रोटी बनानी है। अब मिक्सचर डाल के इसको हम ऐसे करके डम्पलिंग बनाएंगे। देखिए हमने सभी डम्पलिंग बना के तैयार कर लिया है। सभी डम्पलिंग को थोड़ा डिस्टेंस पे रखिएगा, वरना ये बाद में चिपक सकता है। अब देखिए गैस पे मैंने रख दिया है पानी, इसमें उबाल आने तक हम वेट करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम रखेंगे इसमें एक एक करके मोमो का सेट और गैस के फ्लेम को रखेंगे हाई। अब इसको ऊपर से ढक देंगे और 20 मिनट्स तक इसको स्टीम होके पकने देंगे। 20 मिनट्स हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए मोमो अब हमारे अच्छे से पक चुके हैं। गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और सभी सेट को निकाल के सर्व करेंगे। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।